आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई के वकील डीपी सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। सिंघवी इस दौरान गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम केजरीवाल की हालत आम इंसान से भी बदतर बना दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट करार देते हुए कहा, दुर्भाग्यवश यह रिहाई रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी है। मेरे पास बहुत ही सख्त प्रावधानों में प्रभावी रिहाई के 3 आदेश हैं। इन आदेशों से पता चलता है कि व्यक्ति रिहाई के लिए अधिकृत है, उसे रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी रिहाई ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री होने के नाते वह जमानत के हकदार हैं। उन्होंने दलील दी, यह एक दुर्लभतम मामला है, वह पहले से ही ईडी मामले में हिरासत में हैं और सीबीआई पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर रही है और फिर अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले का भी जिक्र किया और कहा, यह गिरफ्तारी एक गैर आवश्यक गिरफ्तारी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खबर यह भी सामने आई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, सेहत लगातार खराब हो रही है, वजन लगातार घटता चला जा रहा है और अरविंद केजरीवाल ये कह भी रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाती है या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा।